बताओ कैसे डिफाइन करेंगे कि पर्टिकुलर थिंग इज अ स्ट्रिंग। बोलो बोलो। तने कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और सम हाँ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। वेरी वेरी हाँ तो नंबर्स के अपार्ट एवरीथिंग जो होता है पाइथन में उनको हम कहते हैं कैरेक्टर्स, है ना। तो उन कैरेक्टर्स को कैसे कहेंगे कि कैरेक्टर्स इंस्क्राइब्ड इन अ सिंगल कोट और अ डबल कोट, समझ रहे। अगर मैं लिख रहा हूँ कि ये सारे नंबर्स हैं तो नंबर्स हैं, इसके अपार्ट अगर मैं ये ले लूँ तो व्हाट आर दीज स्पेशल कैरेक्टर्स, नया कैरेक्टर्स बोल लो। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनसाइड कोट, समझ रहे। या तो सिंगल कोट यू राइट या तो डबल कोट यू राइट, सिंपल थिंग्स। सो एनीथिंग यू राइट इन पाइथन इन अ सिंगल कोट, इंस्क्राइब्ड इन अ सिंगल और अ डबल कोट, दोज आर स्ट्रिंग्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दोज सिंगल एंड डबल कोट्स देयर आर समथिंग कॉल्ड एज ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स। सो ट्रिपल डबल लाइक दिस, ट्रिपल डबल और सॉरी तो ट्रिपल डबल या ट्रिपल सिंगल कोट्स जो भी होते हैं दोज आर कॉल्ड एज डॉग स्ट्रिंग्स। डॉग स्ट्रिंग्स कहाँ देखा है, कहीं देखा है डॉग स्ट्रिंग? बेसिकली यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। अभी डॉक्यूमेंटेशन देखा है कहीं, दिखाते हैं। तो प्रिंट द डायरेक्टरी ऑफ एस टी आर। फंक्शंस तो मैं यहाँ से उठा के लाता हूँ, अभी तो पेस्ट किया था इधर, ये रहा कॉपी पेस्ट। तो एस टी आर स्ट्रिंग फंक्शंस, ये सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, है ना। मैं यहाँ से जो है इसको अपार्ट कर दे रहा हूँ, ऐसा सब ये सारे स्ट्रिंग फंक्शंस है ना, पढ़ा होगा बाद में, पहले भी आपने पढ़ा होगा, समीक्षा आपने भी पढ़ा है ये सब। तो ये सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। चलो अभी इनके डॉक्यूमेंटेशन कैसे देखते हैं, है ना। तो क्या किया मैंने, एस टी लिखकर टैब प्रेस किया। टैब से क्या होता है, जो भी उसके करस्पॉन्डिंग रिलेटिवली अगर फंक्शंस होंगे या वेरिएबल्स अगर डिफाइंड होंगे तो वो सब आपको पता चलेगा। तो स्ट्रिंग फंक्शंस है जो कि एक वेरिएबल है हमने डिफाइन रखा है और यू आर हैविंग वैल्यूज इनसाइड दोस। तो स्ट्रिंग फंक्शंस में से आप क्या करोगे, या स्ट्रिंग फंक्शन को प्रिंट करना चाहते हो तो जस्ट प्रिंट कर लो, सारे आपके पास प्रिंट हो गए, इतने सारे फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के, समझ रहे बात को। अभी इसमें से हमारा टारगेट क्या है, टू गेट द डॉक्यूमेंटेशन। बेसिक पाइथन्स पे जाएंगे लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, है ना, एकदम बेसिक का नहीं पढ़ने वाले, समझ रहे बात की नहीं। अभी इनमें से अगर डॉक्यूमेंटेशन देखना है कैसे देखते हैं, किसी स्ट्रिंग का डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो कैसे देखेंगे, हाउ विल यू सी, बताओ। देखो तो इन स्ट्रिंग के या सारे डायरेक्टरीज के इन साइड ही, इन सब के अंदर ही एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड एज एस टी आर के अंदर। जैसे हमको बोलो कि जेड फिल का क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है, तो डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर डॉक्यूमेंटेशन अंडर स्कोर अंडर स्कोर रन करो। तो वॉट इट डज, पैड अ न्यूमेरिक स्ट्रिंग विद जीरोस ऑन द लेफ्ट टू फिल अ फील्ड ऑफ अ गिवन वेट, उसके बाद न्यू लाइन है, देन द स्ट्रिंग इज नेवर ट्रंकेटेड, समझ में आई बात। या आप ले लिए कुछ सिंपल सा, जैसे लोअर का ही देख लो आप, तो लोअर क्या करता है, रिटर्न अ कॉपी ऑफ अ स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू लोअर केस। अब ये क्या है, ये डॉग स्ट्रिंग है। डॉग स्ट्रिंग कैसे बना होगा, कैसे बना होगा, हेल्प में जाओगे एस टी आर डॉट लोअर लिखोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, या एस टी आर डॉट लोअर लिखोगे शिफ्ट टैब प्रेस करोगे तो क्या मिलेगा, रिटर्न अ कॉपी। सो टाइप क्या है, मेथड डिस्क्रिप्टर और लोअर। अभी ये कहाँ से आया, क्या प्रेस किया आपने, शिफ्ट प्लस टैब, क्लियर है सबको, कोई डाउट है, प्रॉब्लम्स?
इनको हम कहते हैं डॉग स्ट्रिंग्स। कहाँ से आता है देखते हैं। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, अच्छा लास्ट क्लास में बनाया था ना फंक्शन, उठा के लाते उसको। क्या फंक्शन बनाया था? लेंथ काउंट करने वाला है ना, ये इसको कॉपी किए पेस्ट कर, ये इस फंक्शन का काम क्या है बताओ? क्या किए थे इस फंक्शन के साथ? फंक्शन का कुछ यूज है ना, तो दिस फंक्शन क्या करता है? रिटर्न्स द काउंट ऑफ द, क्या काउंट करता है? रिटर्न द काउंट ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द आर्ग्यूमेंट x, जो भी आप एंटर कर रहे होगे x में, एंड द स्पेसेस इन द आर्ग्यूमेंट x, फॉर इंस्टेंस myl ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 1, 2, 3, 4, अच्छा एक काम करता हूँ, काउंट करने के पहले या ऐसा लिख लेते, छोटा वर्ड लिख देते हैं आइस क्रीम। 1, 2, 3 एंड इधर 5, 3, 5। तो रिटर्न क्या रिटर्न करेगा? जस्ट एक आंसर, दैट आंसर वुड बी ऐसा, ऐसा लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन कभी देखा होगा तो कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूँ। तो माय एल आइसक्रीम विल रिटर्न यू क्या? स्पेस कितना है? 1, और नंबर्स कितने हैं स्पेस को काउंट करके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 × 1 ये आंसर होना चाहिए। और इसको आप अब रन कर दोगे, हो गया, समझे बात को? ये डॉक्यूमेंटेशन है। अभी डेफ माई अभी रन करके देखते हैं ना, आइस क्रीम क्या आया? 9 + 1 आंसर आया। कुछ गलत आया क्या? क्या हो गया यहाँ पे? सारे वेरिएबल्स काउंट हुए, सॉरी कैरेक्टर्स काउंट हुए, और उसके बाद कितने स्पेसेस है काउंट हो गए, तो 1 स्पेस है भाई, है ना। अब इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे देखेंगे? myyl.underscore_doc_underscore रन कर दो, डॉक्यूमेंटेशन मिल गया, इसी को प्रिंट कर लो। तो इस तरह से वी राइट डॉक्यूमेंटेशन। फॉर इंस्टेंस देखो, पता चल गया ना माय मिल का, बेसिकली मिल बोलते हैं इसको, ठीक है चलो मिल बोल दे रहे हैं, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, मैंने लिखा है माय लेंथ तो मिल बोलते हैं। तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द काउंट ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड द स्पेसेस इन द आर्ग्यूमेंट एक्स, जो भी एक्स आप दोगे। फॉर इंस्टेंस एम वाई एल ऑफ आइसक्रीम विल रिटर्न 9 × 1, 9 spaces। अब आप उसको और डिफाइन कर दो इस तरह से क्या कि 9 characters एंड 1 space, इन द आर्ग्यूमेंट गिवन। सिंपल है, अब इसको रन करो, देखो अपडेट हो जाएगा, समझ गए? या आप लिख दिए एम वाई एल और आप इस पे शिफ्ट प्लस टैप प्रेस किए तो पूरा बताएगा कि भाई देयर इज अ डॉग स्ट्रिंग। समझ गए बात को, डॉग स्ट्रिंग क्या होता है? क्लियर टू एवरीवन? सर मुझे डॉग स्ट्रिंग तो क्लियर हो गई, बट एक्चुअली इस कोड में आपसे पूछना था कि अगर इफ हमने कुछ भी ऐसी ऐसे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स डाला जिसमें कोई स्पेस नहीं है, लेकिन तब भी ये 1 space तो दिखाएगा ही, क्योंकि हम इसमें हमेशा +1 और काउंट में +1 करवा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 characters थे बट इसने 9 दिखाए हैं, क्योंकि ये हमेशा उसमें 1 ऐड कर रहा है एक्स्ट्रा में। ऐसा है क्या? देखो अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि
चलो स्ट्रिंग ही लिख दिया, एंटर किया, तो दिखा क्या आपको स्पेस? क्यों नहीं दिखा? नहीं क्योंकि हमने जब यहाँ पे रन किया है तो क्या लिखा है, इफ आई के अंदर एक स्पेस पाया गया तो स्पेस में प्लस वन इक्वल्स टू करना, नहीं तो कुछ नहीं करना है, नहीं तो काउंट में प्लस वन करना है, काउंट में तो स्पेस बताएगा ना आपको कि हाँ चलो काउंट में 1 2 3 4 5 6, चलो यहाँ ले लिया एक स्पेस, तो काउंट में 7 हो जाएगा, स्पेस में 1 हो जाएगा, लेकिन स्पेस लिया ही नहीं तो कहाँ से काउंट होगा? तो सर ये ऊपर वाले में 9 कैरेक्टर्स दिखा रहा है जबकि कैरेक्टर्स एक है, तो ये स्पेस को भी एक बार स्पेस भी काउंट कर रहा है और एक बार हाँ कैरेक्टर भी काउंट कर रहा है ऐसा? हाँ देखो क्यों क्या, अभी अगर लेंथ को अगर हम ऐसा ले, क्या ले, आइसक्रीम, लेंथ तो पता है ना, लेंथ फंक्शन, आइसक्रीम यस सर, लिया तो 9 किया तो स्पेस को भी काउंट कर रहता है ये, तो ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, वो तो हमारा बनाया फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ओके सर थैंक यू। ठीक है क्लियर हो गया ना? हाँ चलो, तो बाकी सबको क्लियर हुआ कौन है, और निकुंज, हाँ आपको क्लियर है? आवाज नहीं आई मुझे, चलो ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा, द कंडीशन गेटिंग बैड। चलो तो ये होता है डॉक्यूमेंटेशन, है ना? अभी आगे बढ़ते हैं, तो इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, आपने देखा अभी कितने फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, सम फंक्शंस का अपना अपना डॉक्यूमेंटेशन होगा, कैपिटलाइज क्या काम करता है, केस कोड क्या काम करता है, सेंटर का क्या वर्किंग है, काउंट का क्या वर्किंग है ना, सबके अपने अपने फंक्शंस हैं, आपको डेफिनेशंस देखने होंगे बढ़िया एकदम बैठ के लिख के, str डॉट पर्टिकुलर फंक्शन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक्यूमेंटेशन अंडरस्कोर डाल के चेक कर लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, डेफिनेशंस मिल जाएगा। ठीक है चलो, अभी आपको पता होगा कि आप किसी चीज को अगर डिफाइन नहीं करते, जैसे मैंने लिख दिया वर्ड, तो वर्ड क्या है, कुछ नहीं है, नेम एरर है, तो एक्सेप्शंस कभी कभी हटाने के लिए ट्राई यूज करते हैं, कि ट्राई किया क्या कि एक्स इक्वल्स टू वर्ड, एक्सेप्शन क्या आएगा, एक्सेप्ट करेंगे ना कुछ, तो एक्सेप्शन आया हमारे पास, क्या एक्सेप्शन आया, नेम एरर आया, तो उसमें क्या करना है, लिखेंगे नेम वर्ड इज नॉट डिफाइंड, है ना, तो बोलेंगे इनवैलिड वेरिएबल, अभी हमको जो लिखना है हम लिख सकते हैं, अगर एरर नहीं देखना है तो इनवैलिड वेरिएबल दिखा, एरर नहीं आया, क्यों, क्योंकि आपने एरर को हैंडल किया, इसी को बोलते हैं एरर हैंडलिंग, या आप इसी को नाम देते हो OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब प्रैक्टिकल यूजेज कैसे देखेंगे प्रोग्राम्स को, इस तरह से, समझ गए बात को, है ना, अभी इनपुट ले रहे हो यूजर से, इनपुट लिया यूजर से, इंटीजर इनपुट चाहिए, इनपुट लिए क्या चाहिए, नंबर लेना है, नंबर चाहिए, आपने क्या दिया, ये लो डाल दिया, क्या दिया, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10, अभी एरर आया, एरर को हैंडल करना है ना, तो यूजर को तो ये इतना बड़ा सा एरर नहीं बताएंगे ना, ये तो मशीन को समझना है कि देयर इज एन एरर, है ना, आप कहीं इनपुट कर रहे हो, कोई करेक्ट इनपुट नहीं करते हो, तो वहां नीचे से एकदम छोटा सा आता है ना रेड कलर का लिख के इनवैलिड इनपुट, आपको तो एग्जैक्ट रीजन नहीं बताएगा ना कि कहाँ गलती कर रहे हो, भाई हम इंटीजर में ले रहे हैं इनपुट, आप कुछ अलग डाल रहे हो, है ना, तो ये क्या एरर हैंडलिंग में आता है, ये इसी को बोलते हैं ओपी, तो एक्सेप्ट आपको क्या देगा, एक्सेप्ट क्या करना है, वैल्यू एरर है आपका, तो हर चीज़ का अपना पर्टिकुलर एरर होता है, तो अपने इसको एक्सेप्ट करके बोलेगा यूजर को कि चेक करो, या जो भी आपको प्रिंट कराना है, आप क्या बोलोगे, इनवैलिड इनपुट, आप प्रिंट कर दिए, आप ये डाल दो कुछ भी, ऐसा कुछ डाल दिए, एंटर किए, अभी क्या आ गया भाई, नेम वैल्यू, अच्छा हमने गलत एरर का नाम दिया कैपिटल बी, देखो गलत नाम देने पे एक और एरर आएगा कि ड्यूरिंग हैंडलिंग द अबव एक्सेप्शन अनदर एक्सेप्शन ऑकर्ड, क्या एक्सेप्शन, कि भैया आपने जो नाम लिखा वो भी गलत है, समझ गए बात को, तो अभी दो दो एरर आ गया, वैल्यू एरर नेम एरर, तो एरर्स आते हैं तो एरर्स को पढ़ना पड़ता है कि कौन सा एरर है, फिर उसको आप यू कैन इम्प्रूव इट। चलो अभी डाला हमने तो हमको आया क्या, इनवैलिड इनपुट, है ना, आप यहाँ पे लिख सकते थे क्या, नंबर एक्सपेक्टेड अकाउंट, क्या किया,
कंपाउंड आप यहाँ पे कॉमा डाल के लिख सकते हो, टाइप ऑफ जो भी आपको इधर इनपुट में मिला है, आप इसको स्टोर करो y इक्वल्स टू जो भी, ठीक है, और टाइप ऑफ y आप प्रिंट कर देना। तो आपने ऐसा डाला, अरे फिर कुछ लिखा क्या गड़बड़, इसको तो ट्राई में डाला है ना, why is not defined, तो exceptions में चला गया। चलो ठीक है, बता दो। तो समझ गए बात को, अगर नंबर ले रहे हैं तो इनपुट करेक्ट आएगा, अगर if you are running नंबर नहीं ले रहे हैं तो invalid input, number expected found, नंबर एक्सपेक्टेड बट फाउंड समथिंग एल्स, ऐसा लिख रहा था मैं, बट लीव इट, ऐसा लिख देना, ऐसा आंसर आ जाएगा। समझ गया इनपुट, और ये स्ट्रिंग्स में यही होता है कि आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, फंक्शंस मैं स्ट्रिंग के डिस्कस करूँ क्या, जैसे कि आपके पास ये वर्ड है, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है, आपको उसको कैपिटलाइज करना है, फर्स्ट लेटर ओनली, तो आपको कैपिटलाइज यूज करना है। अगर आपको पूरे वर्ड को कैपिटलाइज करना है तो यू वुड यूज अपर केसेस। अगर आपके पास कोई सेंटेंस है लाइक आइसक्रीम है, आपको INC बोथ वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना है तो आपको टाइटल यूज करना है। तो थ्री पर्टिकुलर थिंग हैव देयर थ्री इंपॉर्टेंट मीनिंग्स कैप अपर केसेस में कन्वर्ट करने का, ठीक है। लोअर केसेस के लिए यू हैव टू ऑप्शंस, कि आपके पास कोई वर्ड है आइस, आप उसको लोअर में लिखो तो एक कॉपी जनरेट करके देगा आपको लोअर केस में। इफ़ यू आर हैविंग अगेन द आइस, इफ यू आर राइटिंग विद केस फोल्ड, तो केस फोल्ड में व्हाट इट डज, इट कन्वर्ट्स दैट स्ट्रिंग इनटू अ केसलेस कंपैरिजन एंड देन रिटर्न्स टू यू, बट आउटपुट दोनों टाइम विल बी सेम। समझ गए बात, चलो क्लियर नहीं होगा तो पूछना आगे। नेक्स्ट इज, अभी किसी में काउंट करना है वर्ड, समझ गए बात, वर्ड है, वर्ड में काउंट करना, क्या ये वर्ड है इसमें काउंट करना, W कितने बार है, तो काउंट किए, क्या काउंट किए, W मिला 0 टाइम्स। सेम है वर्ड है, फिर से कुछ फाइंड आउट करना है, फाइंड कर रहे, क्या फाइंड करना, W। रिजल्ट्स में डिफरेंस क्या है, 0 एंड माइनस 1, व्हाट इज द डिफरेंसेस, यार आपके पास वर्ड है, यू आर चेकिंग एंड आपको जीरो मिल रहा है, व्हाई यू आर गेटिंग जीरो, क्यों मिल रहा है जीरो, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू तो है ही नहीं, है क्या उस वर्ड में कैपिटल डब्ल्यू, नहीं, यू आर नॉट गेटिंग, आपको जीरो मिला। अब फाइंड में वही चीज देख रहे हैं, तो फाइंड में क्या रिजल्ट चेंजेस है, रिजल्ट यही चेंज है कि इफ अ सबस्ट्रिंग इज नॉट फाउंड ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग you will get -1 as a answer, not a key error. समझ में आई बात, तो अगर एक सबस्ट्रिंग नहीं प्रेजेंट है तो -1 मिलेगा, और अगर प्रेजेंट है, इसी चीज को मैं यहां लिखता हूं और इस बार प्रेजेंट वाला लिखूंगा, ओ तो प्रेजेंट है तो you will get positive results, count में भी और find में भी। अभी इसी चीज को अगर मैं इंडेक्स में लिख दूं कि मुझे ऐसा इंडेक्स फाइंड करके दो जिसका डब्लू हो, तो आएगा ही नहीं, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड, आ गया वैल्यू एरर। समझ में आई बात, अरे डब्लू है ही नहीं तो उसका इंडेक्स कहाँ से लेके आएंगे, समझे। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते, सर तो ठीक है ये तो गलत ऑपरेशन था, ये तो सही था, तो भाई यही डिफरेंस है पाइथन और अदर लैंग्वेज में, इधर का ऑपरेशन ही सही नहीं है तो आगे क्यों पढ़े, वहीं आपको एरर बताएगा, उधर एरर ठीक करिए फिर आगे बढ़ेंगे। समझ गए बात को, एनी डाउट्स स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं सर, एक इशू था ये डॉट फाइंड वाला मॉड्यूल में, सो उस केस में अगर प्रेजेंट है, हाँ वर्ड पर्टिकुलर इस वर्ड में प्रेजेंट है, हाँ तो वो उसका इंडेक्स वैल्यू प्रेजेंट करेगा, हाँ और अगर नहीं तो फिर वो माइनस वन देगा, हाँ राइट, हाँ तो अगर प्रेजेंट है यू विल सी योर द इंडेक्स वैल्यू, अगर नहीं है तो आपको -1 मिलेगा,
ठीक है, अब इसके बाद भी यही है कि एक और डाउट आता है कि अगर सेम वर्ड प्रेजेंट हो तो कहाँ कहाँ का आंसर बताएगा। जैसे कोई ऐसा वर्ड ले लेते हैं, क्या ले? हाँ जैसे ले लिए एम ओ एम, मॉम ले लिए, मॉम में खोज रहे डब्लू एम। अच्छा फाइंड में चाहिए ना हमको, चलो फाइंड। तो क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करें आंसर बताओ। माना चाहिए ना 0 एंड 2, आंसर क्या आएगा? सिर्फ 0, क्योंकि जो फर्स्ट इंस्टेंस होगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगा, दैट विल बी द ओनली वैल्यू यू विल गेट। तो फाइंड का वर्किंग एग्जैक्टली सेम होता है इंडेक्स के अकॉर्डिंगली। इट वर्क्स एग्जैक्टली सेम एज द इंडेक्स, बट द डिफरेंस इज दैट इंडेक्स आपको एक एरर जनरेट करके देगा कि इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट फाउंड, बट इफ द सबस्ट्रिंग इज फाउंड इन द इंडेक्स, सॉरी इन द फाइंड, इज नॉट फाउंड इन द फाइंड, यू विल गेट अ नेगेटिव वन ऑफ दैट रिजल्ट। है ना, समझ गए? कोई डाउट है? नहीं है? अब देखो, अभी एक स्ट्रिंग को ले रहे हैं और उसको स्प्लिट कर रहे हैं या उसको ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करना तो हमने देखा है ना, कितनी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा लिया, ऐसा ज्वाइन किया, डॉट से ज्वाइन करना है, जैसे भी ज्वाइन करना है ना, ये ज्वाइन किया, सेपरेट किया, किसको ज्वाइन करना है आपने अलग अलग दे दिया। ठीक है, क्या क्या ज्वाइन करना है? www.gmail.com, अरे आपने दे दिया, रन कर दिया, रन हो गया, लोकल होस्ट एरर आएगा क्योंकि अभी इसको कनेक्ट नहीं किए हैं। कनेक्शन भी होता है, ठीक है, कि आप डायरेक्ट जी पाइथन से आप डायरेक्टली आप कैसे ओपन कर सकते हो। समझे? तो पाइथन से डायरेक्टली कैसे आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, वो भी एक डिफरेंट टॉपिक है। यूआरएल ओपनिंग बोलते हैं उसको हम लोग पाइथन में। बहुत सिंपल सा काम है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, वो भी मॉड्यूल्स पे ही बेस्ड होता है। तो ये तो आपको लोकल होस्ट लेके जाएगा, वो छोड़िए। इधर देखिए, आपने लिखा डॉट, ठीक है, उसके बाद आपने रन किया, तो जितने एलिमेंट्स थे वो डॉट से ऐड हो गए, एनीट्रान, सिंपल। समझ गए? डाउट है क्या किसी को? चल, अभी ये वेब वाला जैसे आया है ना, तो वेब वाले को अगर देखना है तो बता देता हूँ। तो वेब वाला जो है, दैट इज कॉल्ड एज यूआरएल ओपनिंग इन पाइथन। तो यूआरएल ओपनिंग इन पाइथन इज डन यूजिंग यूआरएल लाइब्रेरी। तो यूआरएल लाइब्रेरी का नाम है URLIB, सॉरी URL LIB, URL लाइब्रेरी। तो दिस इज पर्टिकुलरली अ पाइथन मॉड्यूल व्हिच इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ओपनिंग यूआरएल्स, ठीक है, एंड इट डिफाइंस फंक्शंस एंड क्लासेस इन यूआरएल एक्शंस, ठीक है। तो जैसे कि यू कैन एक्सेस एंड ऑल्सो यू कैन रिट्रीव एनी डेटा यूजिंग दिस लाइब्रेरी फ्रॉम XML, HTML, JSON फॉर्मेट एक्सेट्रा। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, आप लिखोगे और आप यू कैन रिट्रीव द डेटा, ठीक है। तो विल सी द एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, अभी डेटा रिट्रीव नहीं करूंगा क्योंकि दैट विल बी अ मेजर टास्क और आपको समझ भी नहीं आएगा, तो
सिर्फ इंटरनेट एक्सेस का दिखा दे रहा हूँ ऑप्शन, देखना है क्या अभी इंटरनेट एक्सेस का ऑप्शन की रहने दो, देखना चाहते हो तो दिखा दूंगा। जैसे गूगल से फेच कर रहे हो डेटा, तो कैसे फेच करना है? यू आर एल लेब ऑप्शन है, ब्यूटीफुल सोप्स हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। वेब ब्राउज़र ही अगर आपको देखना है तो वेब ब्राउज़र से दिखा देता हूँ। आपने इंपोर्ट कर लिया वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल यू आर एल दे दो, यू आर एल क्या आया अभी, ये जो आएगा ये मेरा यू आर एल है मान लो, ठीक है। तो क्या किया हमने, किसके साथ ज्वाइन करना हमको, http://, एक स्ट्रिंग होना चाहिए, प्लस दिस जो भी आया, समझ रहे बात को। तो ये ज्वाइन हुआ, अब इसके बाद ये हमारा यूआरएल है, तो क्या करेंगे, वेब ब्राउजर डॉट फंक्शंस है, फंक्शंस देखेंगे कहाँ जाना है, क्रोम में जाना है, किस में जाना है, जिसमें आपकी इच्छा है आप उसमें जाओ। तो अभी तो पहले तो रजिस्टर करेंगे, है ना, मैकोस है तो किसमें, बेसिकली ये उसी के लिए है। तो अभी मैं आपको उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ इसमें, बस एक शो कर दे रहा हूँ। तो जैसे आपको क्रोम ओपन करना है तो आपने क्रोम दिया, ठीक है। पैरामीटर्स है, आई एम नॉट डिफाइनिंग नाउ कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं अभी, तो उतना नहीं डिफाइन कर रहा हूँ मैं। तो वेब ब्राउज़र डॉट, अभी आपका बैकग्राउंड का ब्राउज़र क्या होना चाहिए, है आपका बैकग्राउंड का ब्राउज़र होना क्या चाहिए, जैसे आपने दिया तो ब्राउज़र, बैकग्राउंड ब्राउज़र, अब बैकग्राउंड ब्राउज़र का आपको पाथ देना पड़ेगा कि कहाँ है। तो जैसे मैं अपने गूगल क्रोम है तो उसका पाथ आइडेंटिफाई करूँगा यहाँ से इन्फो में जाकर, एंड मुझे पाथ मिल गया, तो आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट दिस कि भाई आई हैव द पाथ दिस, ये मेरा पाथ, ठीक है। तो ये हो गया पाथ, और उसके बाद एप्लीकेशंस के अंदर ही जस्ट है ये क्रोम डॉट exe, अच्छा exe फाइल नहीं होता है हमारे में, तो dmg है, तो dmg राइट, अच्छा एक सेकंड लेट मी सी एग्जैक्टली क्या है, नेम है इसका गूगल क्रोम डॉट app, ठीक है, इसका नाम यही ही है। तो चेक किया तो दिस इज डॉट app, सब ऐसे ही है क्या, एक सेकंड को चेक करने का, हाँ चलो। तो इसका नेम यहाँ पर है ये गूगल क्रोम डॉट app, है ना। अब नहीं रन हुआ तो विल सी फर्दर अहेड, बट नाम तो यही दिखा रहा है। तो वेब ब्राउजर डॉट गेट, क्या गेट, क्रोम डॉट ओपन, क्या ओपन करना है, जो मेरा यू आर एल है, रन करके देखते हैं, एनी रिजल्ट, फॉल्स, फॉल्स रिजल्ट आ रहा है, क्यों, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना, चेक कर लेते हैं एक सेकंड। छोड़ो, देखेंगे बाद में, कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। यू आर एल लाइब्रेरी से भी यूज कर सकते हैं, ऑलराइट लीव इट। तो स्ट्रिंग के फंक्शंस है, चलो ना देखते हैं। जैसे दिस, ये फंक्शन पढ़ा होगा आपने, फॉर्मेट फंक्शन, ऐसा। तो इसको फॉर्मेट किए, कैसे फॉर्मेट किए, कि भाई 2+3=5 होना है, तो 2, 3, 5 ऐसा लिख दिए, आ गया। देन आप प्रिंट में कई कई बार यूज़ करते होंगे क्या, /d, ये जो हाई लेवल या आप बोल सकते हो कॉमन सी चीज़ें हैं ना जो छूट जाती है, वही डिस्कस कर रहे हैं, d=%d। अब इनमें आप यूज़ कर सकते हो इसको विदाउट कॉमा, यू कैन जस्ट राइट परसेंट वैल्यूज ऑफ 2, 3 and 5, सिंपल है। तो लगे यू गेट द वैल्यूज, यू आर नॉट गेटिंग इट एडेड, जस्ट गेटिंग द वैल्यूज,
ठीक है। और राइट, अभी प्रिंटिंग में जैसे मैंने कह दिया कि ए इक्वल्स 100 है, बी इक्वल्स 80 है और सी इक्वल्स 90 है, तो मुझे आउटपुट चाहिए 1008090। बताओ कैसे आएगा आंसर, जल्दी बताओ। स्ट्रिंग्स ऐड कर देंगे सर। हाँ, उनको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख के ऐड करेंगे। ऐसा ऐसा लिखेंगे str करके एस टी आर ऑफ ए, एस टी आर ऑफ बी, एस टी आर ऑफ सी। सही, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? जैसे वो मतलब सेकंड अप्रोच ये होता है कि फॉर्मेट यूज करके तीन ब्रेसेस ये करके डॉट फॉर्मेट करके ए कॉमा बी कॉमा सी। नहीं जी, क्या आप क्या बोले सर? वो फॉर्मेट का मेथड यूज करके तीन ब्रेसेस ये करके डॉट फॉर्मेट ए कॉमा बी कॉमा सी करके तीनों स्ट्रिंग एक साथ ऐड हो गया था विदाउट एनी स्पेसेस। अच्छा, ऐसा बोल रहे हो कि ये यूज करके ऐसा ऐसा। Yes, sir. हाँ ठीक है, करेक्ट। तो मल्टीपल मेथड्स हैं कि किस किस मेथड से कौन कैसे ऐड करना है, बट ये सही है कि यू आर अप्लाइंग स्ट्रिंग। अब कई बार क्या होता है बच्चे, सर ए बी सी प्रिंट कर दीजिए आ जाएगा, और ऐसा लिखने से क्या होता है, एक टपल मिलेगा आपको थ्री इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ, मतलब ए बी सी के वैल्यूज के साथ। फिर कई बार होता है सर नहीं इनको ऐड कर दीजिए, अब ये तो बिल्कुल गलत है। चलो, तो स्ट्रिंग के इतने सारे फंक्शंस हैं, इनमें से आप कोई कोई फंक्शंस कर लो, कोई कोई फंक्शंस आप मतलब जो अभी एकदम कॉमन है वो मैं बता रहा हूँ। फिर आप जैसे कोड बनाए थे ना, हमने कोड किया है याद है ना, कैसे किया था एक बार रिवाइज करा ले रहा हूँ, कि ज्वाइन में जाके हमने क्या किया था, आर एन डॉट सैम्पल, सैम्पल में से जैसे मान लो 0 से 9 तक लिया और 4 कोड लेने हैं। अभी आर एन का इशू आएगा, है ना, ऐसा कोड बनाया था ना। तो इन कोड्स को चेक करना हो तो कैसे करेंगे कि ये पर्टिकुलर कोड्स अल्फा, या इनकी जगह हमने पासवर्ड्स भी रखे थे ना, अगर छोटा सा पासवर्ड रख दूं मैं ऐसा 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 डॉट, है ना, तो इनमें से ही 4 वर्ड का पासवर्ड बना दो, या 8 डिजिट का पासवर्ड बना दिया हमने लोअर केसेस का, या इनको कॉपी करके इनका अपर केसेस भी इधर जोड़ देते हैं, कॉपी प्लस द सेम डॉट अपर अपर केसेस। तो ऐसा अगर हमने पासवर्ड बना दिया छोटा सा, तो इनको चेक करना कैसे है कि अल्फा न्यूमरिक है कि पूरा पूरा अल्फाबेट्स है, या इनमें नंबर्स भी जोड़ दिए, तो नंबर्स भी आएंगे। तो इनको असाइन कर दिया कि डब्ल्यू इज वी इक्वल्स टू दिस, तो वी का वैल्यू है कुछ, है ना। तो इनको चेक कैसे करेंगे कि इफ या वी इन वी इज अल्फा नम, है ना, चेक करेंगे ना, कैसे चेक करेंगे कि वी डॉट इज क्या फंक्शंस है ना, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट, डेसिमल, आस्की कोड, ये सारे हैं, इज न्यूमेरिक, इज प्रिंटेबल, इज स्पेसेस। तो इनमें से कितने में ट्रू रिजल्ट आएगा बताओ, प्रिंटेबल है ना,
अल्फा न्यूमेरिक ट्रू है राइट ट्रू आएगा क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक है बिकॉज इनके अंदर क्या कंसिस्टेंसी है ऑल द नंबर्स एंड अल्फाबेट्स ठीक है अभी इसी वी को चेक करेंगे कि लोअर है क्या सॉरी इज लोअर तो क्या आंसर आना फॉल्स है ही नहीं तो अभी जो भी वी का वैल्यू आया इसको अगर रिवर्स करना है तो क्या करेंगे वी डॉट रिवर्स का मतलब समझे क्या बोल रहा हूँ मैं केसेस को रिवर्ट करने हैं मतलब लोअर के अपर और अपर के लोअर तो स्वैप केस होता है कर दिया रन कर दिया मिल गया समझ गया बात को है ना चलो तो इस तरह के सारे फंक्शंस हैं जो यूज होते हैं या एक पर्टिकुलरली अगर आपने ले लिया भाई कि सारे जैसे कह दिया हमने एग्जांपल के लिए पाथ जैसे अभी लिया था ना हमने यहाँ पर तो कीवर्ड्स के जैसे या अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से ले ले कि एक स्ट्रिंग के अंदर अच्छा चलो इतना लिखने की उससे अच्छा इंपोर्ट ओएस कर देते हैं एंड प्रिंट कर या स्टोर कर देते हैं x इक्वल्स टू ओएस डॉट गेट डॉट सी डब्ल्यू डी एक्स में क्या है ये है ना कि यूजर्स के अंदर यूजर नेम के अंदर एक फोल्डर के अंदर एक पर्टिकुलर और फोल्डर के अंदर एक बैच का नाम है या एक दिस नोटबुक इज रनिंग तो अगर इसको स्प्लिट करने हैं सबको किससे स्प्लिट करने हैं स्लैश से तो क्या करूँगा तो स्ट्रिंग ही है तो स्प्लिट बाय स्लैश तो एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा जिसमें आपका पर्टिकुलर इंडिविजुअल सारे टर्म्स आ जाएंगे ठीक है अभी OS क्या था ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से हमने क्या निकाला गेट सी डब्ल्यू डी मतलब गेट द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी OS के भी डायरेक्टरीज हैं कितने हैं चेक कर लेंगे ऐसे तो वी हैव OS डायरेक्टरीज अच्छा ये रहे OS के डायरेक्टरीज हैं अबॉर्ट करना है चेंज द डायरेक्टरी करना है रूट करना है क्लोज करना है लॉट ऑफ थिंग्स तो उनके डॉक्यूमेंटेशन या जो भी आप जैसा है ना एक एक पर्टिकुलर डायरेक्टरीज का अपना अपना यूज़ होता है जैसे आपने सिस पढ़ा होगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या अब ऑब्वियसली बात है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस देखोगे तो बहुत से फंक्शंस मिलेंगे आपको ये देखो ढेर सारे फंक्शंस हैं कितने सारे फंक्शंस सिमिलरली आप सिस्टम के अंदर जाओगे तो सिस्टम हैज़ गॉट ऑल्सो सम फंक्शंस सिस मॉड्यूल में भी फंक्शंस हैं तो आपको उसको इम्पोर्ट जैसे रैंडम मॉड्यूल लिया हमने तो रैंडम के अंदर भी फंक्शंस हैं क्या क्या फंक्शंस हैं चॉइस चॉइसेस एक्सपो वेरिएट ये सारे कुछ देखे हैं अब कल जैसे लिस्ट लेंगे अभी लिस्ट को स्टार्ट करेंगे तो लिस्ट के अंदर भी फंक्शंस हैं कैसे फंक्शंस हैं कुछ नहीं है तो यू जस्ट राइट लिस्ट ब्रैकेट और उसके बाद यू कीप अ डॉट एंड प्रेस टैब आपको सारे लिस्ट के फंक्शंस दिखेंगे अपेंड क्लियर कॉपी काउंट एक्सटेंड से लेकर सॉर्टिंग तक ए से एस तक मतलब जेड तक जितने फंक्शंस हैं यू विल सी कहीं जाके नेट पे सर्च करने की कोई नीड नहीं है एवरीथिंग यू विल फाइंड समझे तो कोई डाउट है आज की क्लास में स्ट्रिंग क्लियर हो गया पूरा एनी डाउट्स मल्टी लाइन स्ट्रिंग सिंगल लाइन स्ट्रिंग है ना कल जाके और एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं ये भी देख लिया हमने छोटा सा कि अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो हाउ यू नीड टू ट्राई इट एंड हाउ यू नीड टू हैंडल इट ठीक है उसके बाद सेट्स देखेंगे और सॉर्टिंग्स देखेंगे के बाकी अपना जनरेटर्स एंड इटरेटर्स जो है उसको देखेंगे रैंडमनेस तो हमने देख ही लिया है किस तरह से करना है अच्छा आपने ये भी तो देखा होगा ना जैसे पढ़ा होगा कहीं कि जैसे रैंडम वर्क करता है सैंपल काम करता है तो कैसे काम करता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द वे जैसे अप टू 10 नंबर्स ले लिया रेंज ऑफ 10 है
तो जब हम लिखते हैं कि रैंडम डॉट शफल, तो शफल जैसे अप टू 10 एलिमेंट्स करने हैं तो कैसे शफल होता है? तो शफल ओके, अच्छा रैंडम नहीं है ना, आर एन दिया हमने, तो देखो अरे रेंज इज नॉट सपोर्ट, तो देखो शफल हुआ आप, मतलब शफलिंग तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है शफलिंग में भी, तो कि है जब रैंडम डॉट शफल यूज किए तो ऐसा कोई पैटर्न है नहीं है हा? आपके लिए लॉटरी में कुछ नंबर्स रख दिए गए हैं कि भाई आप या तो बहुत रेयर आपने देखा होगा, आप कभी पेट्रोल पंप जाते होगे तो वो फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो यू माइट हैव सीन कुछ लॉटरी नंबर्स निकलते हैं, तो आपको बोला जाता होगा सर आप इसको भर दीजिए आपका लॉटरी नंबर निकला, तो क्या आप ऐसे देख के निकालते हैं क्या बोलो? तो जैसे मान लो लॉटरी नंबर्स में कितना 60 लोगों ने इनपुट किया अपना फॉर्म है ना, तो विनिंग नंबर्स कितने आए? ऐसा तो नहीं है कि एक ही को प्राइज मिलता है ना, दो तीन लोगों के लिए होता है ना प्राइज, कि तीन लोग जीतेंगे या पांच लोग जीतेंगे, जैसे भी है विनिंग नंबर्स कैसे निकालेंगे? आर एन डॉट सेम, यही कंसेप्ट यूज होता है, आर एन डॉट सैम्पल किसमें से? लॉटरी नंबर्स में से, लॉटरी नंबर्स में से निकाला आपने, ठीक है कितने निकालने? जैसे पांच विनर्स निकालने, तो पांच विनर्स निकालिए और उनको डिस्प्ले कर दीजिए, तो ये पांच विनर्स है 36, 19, 8, 28, 11, अब जिनका होगा उनका लग गया लॉटरी, समझ गए है ना, ऐसा चलता है इस तरह से, तो आगे क्लासेस से देखेंगे, तो नॉर्मल सिंपल एकदम बेसिक से नहीं जा रहे हैं, जो भी है हर एक डेफिनेशंस को डिफाइन नहीं करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स देखेंगे उनमें यू विल क्लेरिफाई योर पाइथन बेसिक्स, ठीक है? तो एनी डाउट्स टुडे?